जी मैम, कल प्यूट आता है, गवर्नर साहब का क्या कहेंगे? भैया पीछे एक प्रिवरेंस होगी तो ये आएंगे। आप बताइए, आपका चैनल सारे लोग देख रहे हैं, रजनी बाला को जब अटैक किया स्कूल के अंदर, क्या वो प्रिवरेंस लेने जाएगी ऑफिसर के पास? अगर मैं जाती हूँ, मुझ पर कोई अटैक होने लगता है जब, क्या मेरे पास इतना टाइम होगा? मिलिटेंट मुझे टाइम देंगे कि जाओ पहले अपने ऑफिसर से बात कर लो जाके। एलजी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तुरंत बाद डीआरएफ का लेटर आता है। आप इतने काबिल तो हो नहीं कि अभी तक उन डीआरएफ ने जो जिस ड्यूटी से जो कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, आप उनको तो पकड़ नहीं पाए हो, और हम कैसे निहत्ते लोगों पर आपके चलती है? आप कह रहे हो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। भाई सैलरी हम खुद, आप क्या हमारी सैलरी रोकोगे? हम सारे एम्प्लॉय सैलरी आपको दान में देते हैं। आप जाइए यूपी में, उस सैलरी को इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, हरियाणा साहब तो कहते थे गवर्नर साहब से बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ कहना चाहूंगी रैना साहब के लिए भी, रैना साहब आपकी वकालत फेल हो गई, लेकिन फेल होने के बाद भी वकील का जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर आके अपने क्लाइंट से बात करे। आप, हम आपके क्लाइंट से, आपने खुद बोला था हमने वकील नहीं बनाया था आपको, आपने खुद कहा था आप हमारे वकील हो, आपकी वकालत फेल। दो वजह है, या तो आप अच्छे वकील नहीं हो, आप अच्छी तरह हमारा केस रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हाई कमान के साथ, या हाई कमान आपकी सुनता नहीं है। दोनों केसेस में आप फेल हो। अगर हमारी जिंदगी और हमारा फ्यूचर दांव पर है, तो रैना साहब आपकी इज्जत और आपका फ्यूचर भी दांव पर है। कुर्सियां खुद नहीं बनती हैं, कुर्सियां बनाने वाले ये लोग होते हैं। गवर्नर साहब से क्या कहेंगे आखिर में? गवर्नर साहब से कहना चाहूंगी कि सर आप थोड़ी स्टडी करा कर, पहले आप हमारा केस देख रहे हैं, आपने जो भी बातें बोली वो दूसरे मिनोरिटी के लिए बोली है, हमारे लिए आपने क्या दिया इन 7 महीनों में? और हम जब आपके पास मिलने के लिए गए, हमने ब्रीफिंग पीरियड नहीं मांगा था, आपने सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी मांगी। और आप कह रहे हैं कैडर सिस्टम है, जब यूपी बन गई, यूपी में कौन सा कैडर सिस्टम होता है भाई? आपने यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया, क्या जब आपकी बारी आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन हट गया, कोई ड्यूटी है? जब दल कैटेगरी की बात आई तो ये वो हो गया, कैडर सिस्टम हो गया। हम इस कैडर सिस्टम को नहीं मानते, क्योंकि कैडर सिस्टम लाइफ के बराबर नहीं होता, हमें सिर्फ हमारी जिंदगी बचानी है। और इस टाइम आप कश्मीर के हालात ठीक करने में विफल रहे हो, काबिल नहीं हो आप। आप जाइए यूपी में, यूपी संभालिए, हम जम्मू कश्मीर के लोग काबिल हैं, हम संभाल लेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? कल गवर्नर साहब का ट्वीट आया कि जॉब नहीं तो सैलरी नहीं। पिछले 7 महीने से हम कंटिन्यूसली अपनी जेन्युइन डिमांड, जो कि ट्रांसफर पॉलिसी है, उसके लिए मांग कर रहे हैं, जिसके लिए एलजी साहब ने वो जस्टिफाई भी किया था। लेकिन आज इतने महीनों के बाद हमें वहां बिठाकर झूठे आश्वासन देकर कल एक बयान एलजी साहब की तरफ से आता है कि आपके, आपको एक तो सैलरी नहीं मिलेगी घर बैठे, जबकि हम प्रोटेस्ट पे हैं, हम घर बैठ के कोई सैलरी नहीं ले रहे। और दूसरी बात, वहाँ पर जाकर हम बलि का बकरा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में एक सिर्फ पेन होता है, गन का मुकाबला हम पेन से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एकोमोडेशन दी गई है, हमारे लिए सेफ जोन बनाए गए हैं, लेकिन कहाँ है ऐसी लिस्ट जो सेफ जोन दिखाए? हमें वो लिस्ट तो दिखाए। कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, वो भी इसी मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए भी एकोमोडेशन बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पर बसाया कोई नहीं गया है। हमें पूरी सिक्योरिटी
और एकोमोडेशन अगर वहाँ होती तो यहाँ पर हम धरना नहीं करते, हम अपना मेमोरेंडम एलजी साहब के पास देते तो ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। मगर रविंद्र रैना जी कहते थे यहाँ पर हम गवर्नर साहब से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे बंद है, लेकिन अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है हमें उनके साथ बात करने के लिए। उन्होंने तो कहा था मैं आपकी वकालत करूँगा। हाँ, रविंद्र रैना साहब हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे मैं आपका वकील हूँ, लेकिन ऐसे वकील का क्या बोलना जो लास्ट पर ये कहे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको डिवीजन कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर में जाना है। जब यूटी में अलग अलग रूल चेंज होते हैं, जैसे कि 370 हटा एक ही रात में, ख़त्म हो गया, जो बाहर के डोमिसाइल यहाँ पर ले सकते हैं, तो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी एक जेन्युइन डिमांड है, वो क्यों नहीं बना सकते हैं? उसके लिए इनको 7 महीने लग गए, फिर लास्ट पे हमें सिर्फ आश्वासन आश्वासन और धोखेबाज। आखिर गवर्नर साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जेन्युइन डिमांड को कंसिडर किया जाए, और ब्यूरोक्रेट्स क्या उनको समझाते हैं वो हमें नहीं पता है। ज़रा ग्राउंड पर आकर एम्प्लॉयज़ की पूरी प्रॉब्लम सुने ताकि उनको रियलिटी का पता लगे। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर? सर कहने का तो बहुत कुछ है, सवाल ये है कि हमारी सुनेगा कौन? पिछले 7 महीनों से हम अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, हमारी बात जो है जहाँ से जम्मू से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चली गई, जब इंडिया और जिम्बाब्वे का वनडे क्रिकेट मैच हो रहा था वहाँ से फ्लैश हुआ कि सेम नाइट इज इन कश्मीर, तो ऐसी कौन सी बात है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच रही? और कल जो बात आई वो डिस्ट्रिक्ट कैडर, जब आपने यूटी बना दी और एक जो एलजी हैं वो बोल रहे हैं कि आज ही डिस्ट्रिक्ट कैडर, तो फिर क्या फ़ायदा यूटी का? आपसे नहीं बनानी थी यूटी, हमारे लिए तो स्टेट ही ठीक थी, तो जब बना ही दी है तो मेहरबानी करके अब हालात वहाँ पे वो पहले जैसे नहीं है, हमारे लिए क्वार्टर नहीं है, पिछले 15 साल में मुझे क्वार्टर नहीं दिखे तो एलजी साहब को साल डेढ़ साल में कहाँ से दिखेगा? हमने 15 साल दे दिए, हमने कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे नहीं गए? देखो सर, अपने घर की छत से उतना ही दिखाई देता है जहाँ तक आपकी विजन जाती है। हमने गुरेज हमने वहाँ से कश्मीर पूरा कश्मीर घूमा है, चाहे वो गुरेज हो या कौन सी वैली है, पूरा कश्मीर घूमा है, हमें पता है वहाँ पे कोई भी जगह सेफ नहीं है। और आप बोलते हो कि हाँ जी आपको वो सिक्योरिटी देंगे, मुझे बताइए जब राहुल भट्ट जी को मारा गया तहसील के अंदर तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, जब वो एक विजय कुमार जी को बैंक में मारा गया तो क्या बैंक में सिक्योरिटी नहीं थी? हम इस हालत में हम जाएंगे कहाँ? और दूसरी बात, अगर राजकुमार अत्री जो शहीद रजनी बालाजी के हस्बैंड हैं, 7 महीने तक उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, कल को खुदा न खास्ता हम में से किसी को वहाँ पे कुछ हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? गवर्नर साहब से क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके आपने जो प्रॉमिस किया था वो टाइम बाउंड मैनर में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, आप उस पर काम कीजिए, हमें वो ट्रांसफर पॉलिसी दे दीजिए। और जो हमारे जो ऊपर जो बैठे हैं सियासतदान, जो अभी तक ये हमारा 7 महीने से हमारा ये देख रहे हैं, तो अब हम उनको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, उनको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि माना अभी वक्त खराब है इसलिए खामोश हैं हम, माना अभी वक्त खराब है इसलिए खामोश हैं हम, आने वाला वक्त बताएगा कौन है हम कौन है।